जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, अभी हल षष्ठी व्रत जो है वो आने वाला है। बहुत सारे लोग इसे लही छठ या हल छठ के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो व्रत है वो 5 सितंबर को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। बहुत सारी बहनें हैं जिनका मासिक धर्म रजस वाला धर्म या पीरियड्स जो है वो शुरू हो जाएगा, ऐसे में वो पूजा नहीं कर पाएंगी। तो बहुत सारी बहनों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि दीदी, पीरियड्स में हम हल षष्ठी व्रत की पूजा जो है वो कैसे करें और किन से करवाएं, क्या करें क्या ना करें, व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। बहुत सारी बहनों के प्रश्न जो हैं वो इस वीडियो से समाप्त हो जाएंगे और उनके मन में चल रही हलचल जो है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बता देती हूँ कि हल षष्ठी व्रत में पीरियड्स अगर आ गया है तो किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। ये जो व्रत है, इस बार ललही छठ, हल छठ या हल षष्ठी का जो व्रत है वो 5 सितंबर को 2023 में दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। जो भी माताएं बहनें व्रत नए तरीके से शुरू करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। पीरियड्स के दौरान में इस व्रत को नहीं उठाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो बहनें पहले से इस व्रत को करती चली आ रही हैं, उनका इस वर्ष पीरियड्स पड़ रहा है तो उनको इस व्रत को छोड़ना भी नहीं चाहिए। किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए एक नज़र जो है वो उस पर डाल लेती हूँ। व्रत आप कर रही हैं, पूजा बस आपको नहीं करना है, लेकिन आप अगर पूर्णतया साफ सुथरी हो जाती हैं तो आप 5वें दिन पूजा कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप पूर्णतया साफ सुथरा हो चुकी हैं, 2 बार आपके बाल धुल चुके हैं तो आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन हुआ है तो आपको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी बहनें हैं, सोचती हैं कि प्राकृतिक है, कुदरती हैं ये सारी चीज़ें और अगर हम पूजा कर भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा पाप जो है वो नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनजाने में हम गलतियां कर लेते हैं लेकिन बाद में उनका परिणाम जो है वो खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने बच्चों के लिए इस व्रत को कर रही हैं तो इस गलती को आप बिल्कुल भी ना दोहराएं। अगर आपको पीरियड्स या मासिक धर्म आ गया है तो आपको किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। देखिए, जो भकुआ दोने जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं, या बहुत सारे लोग, एक तरीके से मैं बताऊं, हमारे यहाँ दिबौलियाँ, चुकड़ियाँ जो हैं, एक तरीके से जैसे मिट्टी के दिबौलियाँ आती हैं जिसपे हम दीपक जलाते हैं, वैसे ही एक घड़े के आकार के मटकी जो हैं, छोटी मटकी, वो हमारे यहाँ भरी जाती हैं। अगर आपके यहाँ वो भरी जाती हैं या जो भी भकुआ भरे जाते हैं, दोने चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पलास के पत्ते या महुआ के पत्तों से दोने बना के चढ़ाए जाते हैं, तो आपके यहाँ जो भी जिस प्रकार से चढ़ता है, आप अपने ही कुल के जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी सास हैं, ननद हैं आपकी, देखिए ननद वैसे कुल में नहीं आती हैं लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप अपने सास से, देवरानी, जेठानी, ननद या जो भी आपके घर परिवार के हैं उनसे आप ये पूजा जो है वो करवा सकती हैं। अपने पुत्र के नाम के भकुए दोने जो हैं वो चढ़वा सकती हैं। आपको पीरियड्स आ गया है तो आप अपने बच्चों के नाम की पूजा जो है वो आप अपने सास, देवरानी, जेठानी या आपके जो भी घर परिवार के लोग हैं उनसे अपने पुत्र के नाम के दोने जो हैं वो चढ़वाइए और ऐसा उनसे बुलवाइए, मतलब जो भी चढ़ा रही हैं वो ऐसा माता से निवेदन करें कि मैं उनके पुत्र की पूजा जो है उनके नाम से कर रही हूँ और उनकी पूजा जो है वो प्रभु स्वीकार करें, माता जी स्वीकार करें। इस प्रकार से भी आप अपने पुत्र की पूजा जो है वो उनसे करवा सकती हैं। वो पूजा यकीनन आपकी जो भगवान है वो आपकी पूर्णतया पूजा जो है वो स्वीकार करते हैं। अगर किसी कारणवश आपके घर परिवार के, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो हैं वो अलग रहती हैं, घर से दूर रहती हैं और ऐसे में उनको घर के कुल के, एक ही कुल के परिवार के लोग जो हैं, मतलब एक कुल के ही आप परिवार के जो लोग हैं वो नहीं मिल पाते हैं, ऐसे में आपको जो भी मिलते हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी, बगल वाली चाची, अम्मा, दादी, जो भी मिलती हैं आप उनसे भी इस पूजा को करवा सकती हैं। अगर वो करती हैं तो, अगर वो नहीं करती हैं तो बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि जिसके कुल में ये पूजा नहीं होती है उनसे नहीं करवाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि उनको करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कर रही हैं तो अपने बेटे के नाम से उनसे चढ़वा सकती हैं और अपने नाम की पूजा जो है वो करवा सकती हैं, ऐसा भी कर सकती हैं। अब बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिल पाती हैं या बहुत सारे लोग पड़ोसी नहीं ऐसे होते हैं, तो ऐसे लोग अपने पति के हाथ से इस पूजा को करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा आपका और आपके पति का दोनों का है, बच्चे के नाम की पूजा हो रही है तो आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं। ध्यान रखें, इस पूजा को आप अपने बच्चों से कतई ना करवाएं, क्योंकि बच्चों के लिए इस व्रत को, इस पूजा को किया जा रहा है।
तो आप अपने पति से इस पूजा को करवा सकती हैं। भले ही वो कम सामान में पूजा करें, जिस भी प्रकार से पूजा करें आपको करवा लेनी चाहिए। आपको नाक नहीं सकोड़नी चाहिए कि मैं अगर ठीक होती तो मैं अच्छे से करती, ये करती। जिस भी प्रकार से कम सामान में जो भी सामान बन पाता है या जो भी मिल पाता है, कुछ नहीं मिल पाता है तो बाजार से जो भी चीज़ें चढ़ती हैं वो मंगवा के आप पति के हाथों से भी पूजा जो है वो करवा सकती हैं। जिस भी प्रकार से वो कर पाते हैं उस प्रकार से आपको पूजा जो है वो करवा देना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि जो व्रत है वो पूजा है हम ना करें या हम ना करवाएं। जिस भी जो भी तरीके से मान लीजिए कि बहुत सारी सामग्री नहीं मिल पा रही है तो बाजार से जो भी मिठाई जो भी चढ़ती हैं उस प्रकार से आपको लेके माता जी के नाम से वो चीज़ें चढ़वा के उनसे क्षमा प्रार्थी करना चाहिए। भूल चूक के लिए माफ़ी जो है वो ज़रूर मांगना चाहिए। तो इस प्रकार से पीरियड्स में आप पूजा जो है वो कर सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं। और नए सिरे से व्रत, जैसे इस साल बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि मनमास पड़ा है तो व्रत उठा सकते हैं, तो बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मनमास का जब महीना पड़ता है उस महीने के बीच में जो भी नए व्रत होते हैं तब नहीं उठाए जाते हैं, बाकी आप व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये रही पीरियड्स के दौरान पूजा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को ललही छठ हल छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके पुत्र की आयु लंबी हो, वो अपने आने वाले जीवन में खूब सारी तरक्की करें, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।